हेलो हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिर मिलती जुलती रचनाएं उनके रचनाकार जैसे गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का है और देवता के गुनाह उपन्यास देवेश ठाकुर का है। इसी प्रकार गुलाम बादशाह नाटक नंद किशोर आचार्य का है और गुलाम बादशाह उपन्यास रूप सिंह चंदेल का है। और इसी प्रकार बादशाह गुलाम बेगम नाटक गिरिराज किशोर का है। और इसी प्रकार से झूठा सच उपन्यास यशपाल का है और झूठा सच नाम से निबंध सियाराम शरण गुप्त का है। इसी प्रकार से त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन सिंह का है और त्रिशंकु नाम से निबंध अज्ञेय का है। त्रिशंकु नाम से कथा संग्रह मन्नू भंडारी का है। इसी प्रकार से दीपशिखा काव्य महादेवी वर्मा का है और जबकि दीपशिखा नाम से नाटक रेवती शरण शर्मा का है। इसी प्रकार से धूप धान काव्य अनामिका का है और धूप धान कहानी उषा किरण खान का है। इसी प्रकार से द्रौपदी प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा का है और द्रौपदी नाम से नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। द्रौपदी नाम से उपन्यास प्रतिभा राय का है। जबकि धरती नामक काव्य त्रिलोचन का है और धरती नामक नाम से उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है। इसी प्रकार से नीली झील नामक कहानी कमलेश्वर की है और नीली झील नामक एकांकी धर्मवीर भारती की है। इसी प्रकार से एक पति के नोट्स उपन्यास है जो महेंद्र भल्ला का है और एक पत्नी के नोट्स उपन्यास है जो ममता कालिया का है। एक कस्बे के नोट्स भी उपन्यास है जो नीलेश रघुवंशी का है। इसी प्रकार से एक लव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु का है। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का है। इसी प्रकार से पिता नाम से कहानी ज्ञान रंजन ने लिखी है। पिता नाम से कहानी महीप सिंह ने लिखी है। पिता नाम से कहानी धीरेन्द्र अस्थाना ने लिखी है। केवल पिता कहानी सेवाराम यात्री ने लिखी है। पिता दर पिता कहानी रमेश वंशी का है। इसी प्रकार से पेपर वेट कहानी गिरिराज किशोर का है और पेपर वेट नामक नाटक रमेश उपाध्याय का है। इसी प्रकार से पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद्र का है की है और जबकि पंच परमेश्वर नाम से कहानी राघव की भी है। पंच परमेश्वर नाम की कहानी प्रेमचंद्र की भी है और राघव की भी है। उसी प्रकार से पंचवटी काव्य मैथिली शरण गुप्त का है और पंचवटी प्रसंग काव्य निराला का है। इसी प्रकार से बांधो ना नाव इष्ठाओं उपन्यास उपेंद्रनाथ अस्क का भी है और बांधो ना नाव इष्ठाओं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी है। इसी प्रकार से मुक्ति पथ नाटक उदय शंकर भट्ट का भी है और मुक्ति पथ नामक उपन्यास इलाचंद जोशी का है। मुक्ति पथ उपन्यास नामक उपन्यास अभय वर्मा का भी है और मुक्ति पर्व उपन्यास मोहनदास नैमिसराय का भी है। इसी प्रकार से मुक्ति प्रसंग नाम से काव्य राजकमल चौधरी का है और रश्मि काव्य जो है महादेवी का है और जबकि रश्मि रथी काव्य दिनकर का है।